हेलो एवरीवन, दिस इज श्वांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ वेज। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी क्या होती है? फिक्स्ड इनकम जो एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो मिनिमम सैलरी हो गई, जो एम्प्लॉय के क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स के हिसाब से दी जाती है। दूसरा आता है हाउस रेंट अलाउंसेस। तो भाई किसके लिए दिए जाते हैं? नाम से ही पता लग रहा है कि भाई आप जहाँ स्टे कर रहे हैं, अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है। तो इसमें आप पार्शियल एग्जम्पशन और ये दे रखा है कि एम्प्लॉय जो है फुल जो क्लेम है फुल और पार्शियल दोनों ले सकता है एग्जम्पशन। तो ये रीड आउट कर लेना, मेन जो है मेरे को बताना है कि क्या क्या है, इसमें समझाने का तो कुछ है नहीं। फिर आता है डियर लेंस अलाउंसेज। तो इसमें क्या है डियर लेंस अलाउंसेज, जिसे हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, ये किसके ऊपर मिलता है? जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका परसेंटेज जो होता है, जो प्रोवाइड किस लिए दिया जाता है कि आपको अगर इन्फ्लेशन के टाइम पे जो हेल्प करने के लिए कि भाई अगर दाम बढ़ गए हैं, तो ये एम्प्लॉई जो है पब्लिक सेक्टर के, गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है, पेंशनर है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होते हैं अगर हम देखें कानून के नज़रों में। फिर आता है कन्वेंस अलाउंसेज। तो ये जो आपके डेली ट्रैवल एक्सपेंस होते हैं वो यहाँ पे आते हैं इसके अंदर। फिर आता है ओवर टाइम पेमेंट। अब ओवर टाइम पेमेंट में आप जो एम्प्लॉई है वो रिसीव करता है, या बोनस जो है एडिशनल ऑफिस वर्क अब कर रहे हैं भाई, एडिशनल वर्किंग आवर आप जब काम कर रहे हैं तो आपको ओवर टाइम पेमेंट भी मिल जाती है। फिर आता है बोनस। तो ये जो फिक्स सम ऑफ मनी है एम्प्लॉयज़ को दी जाती है एक साल कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, कंपनी में। तो बोनस आप जो वर्किंग होंगे उन्हें मिलता भी होगा। अब आगे परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव। तो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जब आप कोई काम, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं तो उसके हिसाब से भी आपको क्या दिया जाता है, इंसेंटिव जो है पे किया जाता है। अब आता है सैलरी एरियर्स आ गया। तो एरियर्स जो पेमेंट होती है वो किस केस में दी जाती है? जब कुछ क्या हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, संशोधन हो रहा है, तो भाई जो सैलरी रिवाइज हो रही है तो उसके हिसाब से आपकी कितनी जो सैलरी है वो रह गई है, ठीक है, तो वो आता है इसके अंदर। फिर आ गया ट्रैवल एंड फूड रिम्बर्समेंट। तो जो भी आप बिजनेस ट्रैवल या मीटिंग जो भी आप अगर जाते हैं कहीं, तो उसका भी आपको जो आप बिल लगा देते हैं तो उसका आपको जो है पैसा मिल जाता है। फिर आता है ग्रेजुटी। तो एक लमसम पेमेंट होती है जो एम्प्लॉय को दी जाती है, जब 5 साल अगर वो 5 साल करने के बाद उस कंपनी को छोड़ रहा है तो उसको यहाँ पे ग्रेचुटी दी जाती है। फिर आ गया ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ गया। तो ये जो अगर हम देखें कि हमने एम्प्लॉय के अलाउंसेज और बेनिफिट पढ़े हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम यहाँ देखें, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जिसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आप क्या कंट्रीब्यूट करें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को, जो हम आप क्या कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये रेगुलर जो है मंथली आपको कंट्रीब्यूट करता है। जो आपकी बेसिक सैलरी है उसमें उसका क्या होता है, ये 12% होता है। तो ये था आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, जिसका मेन एम होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, जो आपको रिटायरमेंट के बाद जो है मिलता है पैसा। फिर आता है प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स स्टेट स्पेसिफिक है, तो ये डिपेंड करता है आप किस वर्क लोकेशन पे आप काम कर रहे हैं, इसकी जो लिमिट होती है 2500 होती है एनुअली इंडिया के में बात करें। फिर आ गया टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS जो हो गया, तो ये एक पोर्शन है आपकी इनकम टैक्स का। तो जो यहाँ पे अगर हम बात करें, एम्प्लॉयर जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट करते हैं TDS को आपकी मंथली इनकम में से, और पेड करते हैं एम्प्लॉय को, रिड्यूस करते हैं उनका जो टैक्स बर्डन है, ठीक है, वो इसमें यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। फिर आता है ESI। तो एक इंश्योरेंस है जो मैंडेटरी नहीं है सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, एप्लीकेबल है उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिनकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा नहीं है। तो जो भी कंपनी जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं वो सैलरी ब्रैकेट के साथ जो क्या करती हैं यहाँ पे, वो डिटेक्ट कर सकती हैं किसको, ESI को, ठीक है। तो ये था हमारा जो कंपोनेंट है वेजेस के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।